सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। बेटे को गोविंदा बनाने निकले डेविड धवन दूसरी सबसे ज्यादा खराब रेटिंग वाली फिल्म बन गई कूली नंबर वन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वरुण धवन और सारा अली खान अभिनीत फिल्म कूली नंबर वन को रेटिंग के मामले में गहरा धक्का लगा है। विश्लेषकों में चर्चा थी कि 90 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा से दुश्मनी मोल लेने के बाद फिल्म निर्देशक डेविड धवन अपने बेटे को गोविंदा बनाना चाहते थे, लेकिन फिलहाल IMDB पर 10 में से 1.3 की रेटिंग के साथ ही ऑल टाइम वर्स्ट फिल्मों की सूची में आ गई है। फिल्म को दर्शकों ने पूरी तरह नकार दिया है। इससे पहले जून 2018 में आई सलमान खान की रेस 3 को IMDB पर 1.9 रेटिंग मिली थी। उससे भी पहली मार्च 2013 में रिलीज हुई अजय देवगन की हिम्मत वाला को काफी खराब रेटिंग मिली थी। उसे 10 में से मात्र 1.7 रेटिंग ही मिल पाई थी। कूली नंबर वन को OTT वीडियो प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर इस शुक्रवार को क्रिसमस के मौके पर रिलीज किया गया था। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई है। वहीं अगर जून 1995 में आई गोविंदा की कूली नंबर वन की बात करें तो IMDB पर उसकी रेटिंग 6.3 है, तो इसके रीमेक से काफी अच्छी है। समीक्षकों ने भी वरुण धवन की फिल्म को नकार दिया है। फिल्म में कोरोना वायरस का प्रयोग भी मजाक के रूप में किया गया है, जिसने दुनिया भर में 17 लाख से भी अधिक लोगों की जान ले ली है। वहीं सारा अली खान का कहना है कि अगर राजनीति चश्मे से देखा जाए तो कोई भी मजाक या कॉमेडी खत्म हो जाएगी। यहां तक कि इस फिल्म के गाने भी ओरिजिनल नहीं है और पुराने कूली नंबर वन के दो लोकप्रिय गाने हुस्न है सुहाना और मैं तो रस्ते से जा रहा था को रिक्रिएट किया गया है। ये फिल्म मई 2020 में ही रिलीज की जाने वाली थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इसे आगे नहीं बढ़ाया गया इंडिया टुडे ने भी इसे साल की सबसे बुरी 8 फिल्मों की सूची में रखा है। डेविड धवन गोविंदा को लेकर 17 फिल्में निर्देशित कर चुके हैं, लेकिन अब उनमें बातचीत बंद है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।